अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान और आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम पेन टूल सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेन टूल बेसिकली एक शेप टूल है जिस पे हम डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग्स वगैरह, कोई भी कस्टमाइज शेप हो वो हम इस पे बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे, शॉर्टकट उसका P है, और अगर हम माउस से सेलेक्ट करना चाहें तो सिंपली आपको यहाँ पेन का एक टूल नज़र आ रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस पर माउस का बटन प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास इसमें मल्टीपल ऑप्शंस शो हो रहे होंगे। पहला है पेन टूल, सेकंड है ऐड एंकर पॉइंट पेन टूल, थर्ड है डिलीट एंकर पॉइंट टूल, और फोर्थ है एंकर पॉइंट टूल। तो सबसे पहले हम पेन टूल सेलेक्ट करते हैं। अब हम कोई भी एक शेप बनाते हैं या कोई लाइन बनाते हैं तो हम यहाँ स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया है। अब हम चाहें इसके साथ मज़ीद कुछ एंकर पॉइंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, अब आप देखेंगे तो आपको ये एंकर पॉइंट एक नज़र आ रहा है। अब हम इसकी लेफ़्ट राइट कहीं पे भी हम सेकेंड एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ, उसके बाद आप किसी भी एरियाज़ में, आर्ट बोर्ड के एरिया में आप अपने कस्टमाइज शेप बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी शेप बनाता हूँ। अच्छा, अगर मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो इसके बाद ये सीधी आपको लाइन सिर्फ नज़र आएंगी। चाहे अगर आपको सीधी लाइन चाहिए होगी तो आप शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो सीधी लाइन ऐड हो जाए। अगर आपको कोई कर्व लाइन चाहिए होगी तो मैं सिंपली इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करूँगा और नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, लेकिन माउस का बटन मैं रिलीज़ नहीं करूँगा। तो अब लेफ़्ट साइड की तरफ मैं अगर अपने माउस को ड्रैग करता हूँ तो राइट साइड की तरफ एक कर्व बनना शुरू हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर मैं माउस को राइट साइड पे मूव करता हूँ तो लेफ़्ट साइड की तरफ एक कर्व बनना बनता दिखाई दे रहा होगा आपको। अब मैं माउस का बटन रिलीज़ करता हूँ तो ये देखिए यहाँ एक कर्व बन चुका है। लेकिन इसके बाद जो अगला पॉइंट है, जो पेन टूल के शेप सेलेक्ट है, आपको यहाँ एक और लाइन नज़र आ रही होगी, इससे कस्टमाइज शेप नहीं बन सकती क्योंकि ये अब अपनी मर्ज़ी से एक मज़ीद पॉइंट ऐड करना चाह रहा है। अगर हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे फिर हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी दूसरा पॉइंट, एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ क्लिक किया और मुझे राइट साइड की तरफ एक कर्व चाहिए, तो मैं सिंपली नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, क्लिक करूँगा और लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करूँगा तो राइट साइड की तरह एक राइट साइड पर एक और कर्व मज़ीद ऐड हो चुका है। मैंने माउस का बटन रिलीज़ किया, फिर सेम प्रोसीजर, इस एंकर पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगा तो अब यहाँ से मैं मज़ीद एंकर पॉइंट, मुझे अगर कर्व में चाहिए तो मैं नेक्स्ट किसी भी जगह पर क्लिक करके उसको ड्रैग करूँगा। अगर मुझे ऊपर की तरफ चाहिए तो मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, अगर मुझे नीचे की तरफ कर्व चाहिए तो मैं ऊपर की तरफ माउस को ड्रैग करूँगा, और अगर मुझे सीधी लाइन चाहिए तो मैं शिफ्ट प्रेस कर दूँगा तो सीधी लाइन इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ मैं इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और अगर मुझे इस सिलेक्शन को ख़त्म करना हो, मुझे जस्ट यहीं तक ये शेप चाहिए, तो मैं सिंपली कीबोर्ड से V प्रेस कर दूँगा और यह सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए मेरे एंकर पॉइंट, मेरा लास्ट एंकर पॉइंट ये वाला था। अब हम कोई शेप बनाते हैं, सिंपली हम माउस टूल पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ कोई भी शेप बना लेते हैं, आइए स्टार बनाते हैं। तो यहाँ मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ एक एंकर पॉइंट मैंने ऐड किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट साइड की तरफ एक मज़ीद एक और एंकर पॉइंट मैंने ऐड किया। अब मैं यहाँ एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ, इस तरीके से अब नीचे एक एंकर पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, यहाँ एक एंकर पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं कोई शेप बनाना चाह रहा हूँ, चाहे वो कोई कार्टून हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो स्टार हो या कुछ भी हो, तो अब मैं सेम पोजीशन पे अगर अब ये जो लाइन है इसकी जो विड्थ वगैरह है, ये जितनी लंबी लाइन है वो सेम यहाँ मुझसे तो कम अज़ कम नहीं बनेगी क्योंकि अब यहाँ का साइज़ मुझे नहीं पता, और अगर मैं यहाँ बनाऊँगा तो हो सकता है ये लाइन छोटी हो सकता है ये लाइन बड़ी हो। अब ये देखें ये कुछ इस तरीके से बन रहा है,
हमारे लेफ़्ट साइड की शेप अच्छी बन गई, लेकिन राइट साइड की जो शेप है वो ठीक नहीं है। अगर मैं इसको अब अंडू करता हूँ, जस्ट मैंने हाफ पोर्शन इसका बना लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ रूलर ऐड करूँगा। रूलर किस तरह ऐड करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, रूलर में आएंगे, शो रूलर, या कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ मेरे पास रूलर ऐड हो गया है। अगर मुझे हॉरिजेंटल में रूलर चाहिए तो मैं यहाँ से क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, और अगर वर्टिकल में चाहिए तो मैं यहाँ लेफ़्ट साइड से क्लिक करके और उसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करूँगा। मुझे इस सेंटर में चाहिए। अब मैं अपनी शेप को इस सेंटर पे ला के छोड़ देता हूँ। अब मुझे यही सेम पोजीशन राइट साइड पे भी चाहिए ताकि हमारा स्टार कंप्लीट हो जाए। मैं सिंपली इस पे इसको अल्टर और शिफ्ट प्रेस करके भी इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले सकता हूँ, और अगर यहाँ से नहीं लेना चाहता, अल्टरनेट है हमारे पास कोई, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक टेबल इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ एंगल शो हो रहा है वर्टिकल 90 डिग्री, और ये इसका प्रीव्यू है। आपको ये प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा, हमने जो शेप बनाया था उसकी इसकी डायरेक्शन राइट साइड की थी, जबकि इस शेप की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर। अगर मैं प्रीव्यू ऑफ कर देता हूँ तो ये हमारी शेप थी जो हम पेन टूल से हमने ड्रॉ की थी। अब मैं दोबारा प्रीव्यू क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से शेप आपको दिखाई दे रही है। अब मैं अगर ओके करता हूँ तो वही जो हमने शेप बनाया था उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे इसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए थी। तो मैं अंडू करूँगा और शेप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म में आऊँगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट सेलेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट के बाद, प्रीव्यू के बाद, यहाँ नीचे आपको कॉपी नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको कॉपी पर क्लिक करता हूँ तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है। इसको मैं राइट साइड पर ड्रैग करता हूँ, ये हमारी लेफ्ट साइड वाली शेप है और ये राइट साइड वाली। इसको थोड़ा जूम करते हैं, आप जूम यहाँ से भी कर सकते हैं, जेड प्रेस कीजिए, जूम सेलेक्ट होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास, और आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और अगर मुझे जूम आउट करना होगा तो मैं कीबोर्ड से आल्ट और प्रेस करूँगा, और यहाँ स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक करूँगा जूम आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मुझे सिंपल जूम इन करना है तो मैं स्क्रीन पे जस्ट कीबोर्ड से जेड सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दूँगा। अब हम इस दोनों एंकर पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं। इस एंकर पॉइंट के साथ मैं अब छोड़ रहा हूँ, तो आपको बीच में ये एक लाइन नज़र आ रही होगी इंटरसेक्ट की। इट मीन्स कि दोनों जो ज्वाइंट है वो आपस में मिल चुके हैं, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन होगा अगर आपके पास स्मार्ट गाइड ऑन होगा। अगर स्मार्ट गाइड आपके पास ऑन नहीं है तो आप विंडो पर क्लिक कीजिए, व्यू में क्लिक कीजिए और स्मार्ट गाइड पर चेक लगा दीजिए अगर आपके पास चेक नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर आपके पास चेक लगा हुआ है तो आपके पास इंटरसेक्ट शो हो रहा होगा। अगर मैं अपने यहाँ से चेक हटा देता हूँ तो आप देखिएगा, अब मेरे पास इंटरसेक्ट शो नहीं हो रहा और ना ही मेरे पास इसकी गाइड वगैरह शो हो रही है। सिंपली व्यू पे क्लिक करूँगा, स्मार्ट गाइड यहाँ से ऑन करूँगा और कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करके भी ऑन कर सकता हूँ। अब मैं दोबारा इसको इसके साथ अटैच करता हूँ, ये दोनों आपस में मिल चुके हैं, लेकिन ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, क्योंकि ये एक शेप नहीं है, ये आपस में कंबाइन नहीं है। अगर मैं इसमें, लेट सपोज मुझे इसमें कलर फिल करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ जबकि पूरा स्टार सेलेक्ट नहीं हो रहा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ इसका फिल चेंज करता हूँ येलो। तो आप देखिए हाफ़ पोर्शन में जस्ट कलर हो रहा है, इस हाफ पोर्शन में नहीं हुआ। इट मीन्स ये दोनों सेपरेट पोर्शंस है। मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड से अंडू होगा। दोबारा इस शेप को सेलेक्ट करता हूँ और इस शेप को भी सेलेक्ट करता हूँ। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताया था, हमें कोई भी एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे या कीबोर्ड से ए प्रेस कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके हम ज्वाइन कर देंगे। और अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा और राइट क्लिक करके भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइंड हो गए होंगे। अब हम सिलेक्शन टूल लेके चेक करते हैं। अब ये देखिए पूरा स्टार एक साथ मूव हो रहा है। इसी तरीके से ये इस पॉइंट को भी हमें ज्वाइंड करना है। तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे ए प्रेस करके, इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे। तो
ये पॉइंट भी ज्वाइन हो चुका है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से हम इसका स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, स्ट्रोक हमने इसका ब्लू कर दिया और स्ट्रोक का साइज़ है 2 पॉइंट। अब इसका कलर फिल हमें करना है तो वाइट की जगह हम कोई और सेलेक्ट करते हैं, ऑरेंज कलर। इस तरीके से हमने इसमें कलर फिल कर दिया है। अब मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। अब हम कोई और शेप बनाते हैं। आइए तो हम यहाँ से एक पेन टूल ही बल्कि सेलेक्ट करते हैं। हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे। ये स्टार हम बना चुके हैं, मैंने अंडू किया दोबारा। अब स्टार में आप अगर ए सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो आपको इसके पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, एंकर पॉइंट्स। ये रहा, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, ये सारे इसके एंकर पॉइंट्स हैं। हमें अगर किसी पॉइंट को कर्व करना हो तो हम इस सर्कल को क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। ये पूरा स्टार ही कर्व हो गया है क्योंकि हमने कोई एंकर पॉइंट सेलेक्ट नहीं किया। अगर हमें कोई सेलेक्टेड एंकर पॉइंट का पोर्शन कर्व करना हो तो हम ए प्रेस करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट, इस सर्कल को सिर्फ ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। तो आप देखें, सिर्फ ये वाली साइड, सिर्फ ये पोर्शन ही कर्व हुई है। इसी तरीके से अब मैं इन दोनों पोर्शन को सेलेक्ट करके करता हूँ, ये दोनों पोर्शंस, यहाँ से स्टार कर्व हो चुका है। अब हम इसमें कोई एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं तो हम पेन टूल पे क्लिक करेंगे और इसमें ऐड एंकर पॉइंट, या हमने कोई सेलेक्टेड शेप बनाया हो, कोई भी शेप, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। हम कोई शेप बनाते हैं, कोई भी शेप बनाते हैं, एक लाइन की ड्रॉ करते हैं। एक ये है, एक हम इसकी डुप्लीकेट लेते हैं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे। फिर इसको हम रोटेट कर देंगे, लाइन को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे, रिफ्लेक्ट 90 डिग्री। कॉपी नहीं चाहिए हमें, हमें जस्ट सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है, तो हम उसको ओके कर देंगे। अब ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब हम इन दोनों को एक साथ करते हैं, हम इन एंकर पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर देंगे। इसी तरीके से ऊपर वाले एंकर पॉइंट्स को हम करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से ए प्रेस करके इसकी सिलेक्शन लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे। ये अब एक शेप की शक्ल में बन चुके हैं। अब हमें इसमें मज़ीद कोई एंकर पॉइंट ऐड करना है। अगर मैं चेक करूँ इसमें कितने एंकर पॉइंट्स हैं, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ देखिए, इसमें ऊपर 2 एंकर पॉइंट्स है, यहाँ 2 एंकर पॉइंट्स है, यहाँ 2 एंकर पॉइंट्स है और 2 एंकर पॉइंट्स यहाँ हैं। अब मैं अगर इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसकी पूरी शेप चेंज हो रही है यहाँ राइट साइड की। लेकिन अगर मुझे जस्ट नीचे वाले पोर्शन की शेप चेंज करनी है तो मैं इसमें एंकर पॉइंट ऐड करूँगा, पेन टूल सेलेक्ट करूँगा, उसमें ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ प्लस का निशान आपके पास शो हो रहा होगा। अब हम यहाँ जूम करके एक एंकर पॉइंट, आपको कर्सर के पास प्लस का निशान शो हो रहा होगा, इट मीन्स कि हम एंकर पॉइंट ऐड करने वाले हैं। मैंने जैसे ही यहाँ क्लिक किया, एक एंकर पॉइंट यहाँ भी ऐड हो चुका है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके चेक करना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, मैंने इस शेप को सेलेक्ट किया। अब आप देखिए, यहाँ भी हमारे पास एक एंकर पॉइंट ऐड हो चुका है। अब मुझे जस्ट इस पोर्शन को अगर ड्रैग करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा, राइट साइड की तरफ ड्रैग करूँगा, तो अब ये हमारा सिर्फ ये वाला नीचे का पोर्शन ये मूव हो रहा है, ऊपर वाला पोर्शन जैसे कि पहले हो रहा था वो नहीं हो रहा। अगर मुझे इस दो पूरे शेप को ही चेंज करना है, मूव करना है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो फिर अब ये वाला पोर्शन होगा क्योंकि हमने बीच में एक एंकर पॉइंट ऐड कर दिया है। इसी तरीके से मुझे यहाँ एंकर पॉइंट ऐड करना है, पेन टूल सेलेक्ट करूँगा, ऐड एंकर पॉइंट और यहाँ एक एंकर पॉइंट ऐड कर दूँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा। अब इस एंकर पॉइंट को भी हम मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। अगर मुझे इसका कर्व चेंज करना हो तो हम इस हैंडल को
राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे या लेफ्ट साइड की तरफ हम ड्रैग करेंगे, जैसे हम चाहें वो हम ड्रैग कर सकते हैं, जो भी आपकी कस्टमाइज शेप होगी उसके अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं पेन टूल में, डिलीट एंकर पॉइंट, मैं एंटर कर रहा हूँ कंट्रोल जेड, अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, हम चेक करते हैं यहाँ भी एंकर पॉइंट हमने ऐड किया और यहाँ भी, ठीक है। अब हम इसको क्लिक करेंगे, डिलीट एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और हम इस एंकर पॉइंट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम इस पे जस्ट सिंगल क्लिक कर देंगे कीबोर्ड से, तो ये पूरा एंकर पॉइंट डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मुझे ये एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो मैं यहाँ से जैसे ही क्लिक करूँगा ये एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा, उसकी शेप कर इसकी शेप कुछ इस तरीके से बन के आएगी आपके पास। अगर मुझे ये एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो मैं वहाँ क्लिक कर दूंगा, वो एंकर पॉइंट लेस हो जाएगा। इसी तरीके से पेन टूल में हम आएंगे तो हमारे पास एक और शेप है एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। हम कोई भी शेप लेते हैं जो कि राउंड में होगी सर्कल में होगी, हम शेप टूल लेते हैं, सर्कल सेलेक्ट करते हैं, एलिप्स को, एलिप्स टूल, यहाँ हम एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। हमने सर्कल बनाया, मैंने सर्कल को जैसे ही सेलेक्ट किया और पेन टूल से एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये सर्कल से स्क्वायर की शक्ल में बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसी तरीके से इस शेप एंकर पॉइंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी एक स्क्वायर बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ की भी राउंडनेस ख़त्म हो गई है, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ यहाँ भी ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप बन चुका है। इसी तरीके से मैं कोई और सर्कल बनाता हूँ एक, हमें अगर कोई मैप टूल बनाना है, मैप की शेप बनानी है तो हमें लेफ्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, एक सर्कल की शेप बनाएंगे, सिंपली इसको क्लिक करेंगे, एंकर पॉइंट टूल को सेलेक्ट करेंगे, जस्ट हमने यहाँ सिर्फ क्लिक करना है, सिर्फ एक क्लिक। इसके बाद सिलेक्शन टूल लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हम सेलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से या माउस से, इस एंकर पॉइंट को हम क्लिक करेंगे और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। देखिए आपके पास ये एक लोकेशन का आइकन बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है तो इंशाल्लाह पेन टूल पे मैं एक और क्लास बनाऊँगा नेक्स्ट क्लास, पेन टूल पार्ट टू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि ट्यूशन वगैरह की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट वगैरह जा नहीं सकते हैं किसी रीजंस की वजह से, फैमिलीज़ की वजह से कोई और इशू हो या फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो काइंडली इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।